एक बड़ा एक छोटा। और दोनों के पास एक कम्बल और एक भैंस। बंटवारा हुआ तो छोटा भाई बोला, भैया आप जैसा बंटवारा करो वैसे ही ठीक, ये बंद कर दियो थोड़ी देर। तो बंटवारा मालूम क्या हुआ, बड़ा भाई बोला कि देखो ऐसा है, ये कम्बल दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें दे दिया करो। क्या निर्णय किया, दिन भर तुम्हारे पास रात को हमें, और ये जो भैंस है इसमें भी बंटवारा कर लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा पीछे का हमारा। अब बोलो कैसा निर्णय किया, निपटारा किया, बंटवारा। सो बेचारा एक भाई दिन भर तो कंबल रखे रहे अपने पास, दिन में जरूरत नहीं ओढ़ने की, और जैसे ही शाम होने लगे सो वो कहे हमारा कंबल हमें दे दो। सो रात भर कंबल ओढ़ के आराम से सोए, और सवेरा भैया ले जाओ अपना कंबल, दिन भर तुम रखो, और भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया। सो बेचारा खिलाए पिलाए वो, और पीछे का हिस्सा उसका सो दूध वो दोहे। बेचारा परेशान हो गया कि भाई तो प्राण लिए है, ऐसा निर्णय किया, ऐसा बंटवारा किया। एक महात्मा थे, बोले तुम घबराओ मत। महात्मा ने उनके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, बोले इसी का प्रयोग करना, ठीक है। तो उसको जैसे कम्बल दिन को मिला तो उसने क्या किया, कम्बल को जैसे ही मिला सो पानी की बड़ी नांद थी उसी में डुबो दिया, और दिन भर भिगाए रखा। शाम आई, बोला हमारा कम्बल, बोलिए है ले जा। बोले ये क्या कर दिया, बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, दिन तो हमें मिला ही है। बेचारा रात भर कंबल नहीं ओढ़ पाया, और सवेरे वो दूध दोहने बैठा, और वो छोटे भाई ने क्या किया, लिया डंडा। सो आगे डंडा दिखाया भैंस को, सो भैंस सीधी खड़ी ना, इधर करे उधर करे उधर करे। तो वो कहे ये 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 क्या कर रहे हो, बोले आप तो अपने हिस्से में करो जो करना है, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं। अकल लगी ठिकाने की नहीं, देश है खराब, क्या कह रहे हैं जनाब, देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं, यहां तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, यहां तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, अर्थात भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं, खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं है? कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं, और उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं, कोई ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं ये। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बंधुत्व में जो विष आ गया है, इसमें संबंधों का अमृत घोलने के लिए श्री राम की कथा की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता। एक बार एक महात्मा जी ने अपने तीन चेलों को उपदेश दिया, बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी, लेकिन क्या होता परोपकार, बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें, एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया, हमारा किया क्या, बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी,
हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने, दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये दो की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने, तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि तीन की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था, तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराए। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ, तो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते हैं और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। पीने का आप देखो जानवरों तक के नियम है, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता ना उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, पांच दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे सात दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत है और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है चाहे जो खिला ले, घास खा जाए मांस खा जाए और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में एक सज्जन बोले झगड़ा होते ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा, चला गया। मैं लौट कर नहीं आऊंगा, बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया, दूसरे ही दिन। तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान है हम और तुझे फिर दल में रख ले, क्या इंसान है हम? हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध।
अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, ना सोने का धर्म, ना जागने का धर्म, ना खाने का धर्म, ना पीने का धर्म, ना पहनने का धर्म, ना पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से, फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान, ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत् कुरुष्व मद अर्पणम्, वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाए। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं। सो बड़ी नम्रता से गुरुदेव बैठा पास में था, तब तक गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी बरस रहा है, गाय को बंधन से मुक्त करो, दूसरी जगह बांध। चेला बैठे बैठे बोला, गुरुजी जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है, क्षमा करें गुरुदेव, ये मुझसे नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है गुरुदेव। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने कहा चेले से विवाद कौन करे, चलो। गुरुजी गए गाय को की रस्सी खोलकर उसको दूसरी जगह छाया में बांध दिया। थोड़ी देर में गुरुजी फिर बोले, बच्चा बाहर जाके देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है। चेला बोला, गुरुदेव ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से ही आई है, आप तो इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, शरीर गीला हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, और शरीर सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर भी चुप रहे। अब रात को गुरुदेव को नींद ना आए, वो दिया जल रहा था, बोले बेटा ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुदेव अब रजाई में घुस गए, अब कौन निकले बाहर। आप तो एक काम करो, क्या रामायण की बात याद करो, मुंह दिए नयन कतौ को नाही, आप तो आंख बंद कर लो, दिया को बुझाई समझो। गुरुजी ने दिया बुझाया, और सवेरे सवेरे एक भगत आया लड्डू लेकर, महाराज भगवान को भोग लगाओ, आप भी पाओ, सबको पवाओ। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, बाल भोग लेकर, बोले बच्चा प्रसाद लेगा, सो दौड़ा दौड़ा आया, बोले गुरुदेव मैंने आपकी तीन तीन आज्ञाएं नहीं मानी है, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा ये तो लाइए। ये हाल सुनो भैया, एक गुरुजी गए एक गांव में, सो एक नया नया चेला बना, हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है, ऊंचा। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि चेला नहीं गुरु ही मिला है, कई चेले सचमुच गुरु होते हैं, ऊंचा। गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो, अरे रामायण सब जान दिए, ऊंचा। तो गुरुजी ने कहा गीता, बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा, गीता कल। और महात्मा उन्होंने श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद जो है जो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। एक घंटे तक व्याख्यान दिया, चेला बीच बीच कह के आ
महाराज, वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह वाह। गुरु जी का और उत्साह बड़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। गुरु जी और सुनाते गए। एक घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरु जी हैं, गुरु जी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? का आप कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे, क्या समझ है? सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरु जी जवाब नहीं दिया, ये दो गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम दूसरे तुम, एक न सुनाई एक नहीं देखा।